मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने व्यापक आर्थिक रिफॉर्म अपनाए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में जापानीज कंपनीज बहुत समय से एक प्रकार से हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स रही है। हमारे बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर्स में पार्टनरशिप में नए आयाम जुड़ रहे हैं। हम जापानी कंपनीज को भारत में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज लॉन्च किया गया इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोडमैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। जापान के साथ हमारी स्किल्स पार्टनरशिप भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभाएगी। फ्रेंड्स, भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। यह सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमारी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम साबित होगा। कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आज हमारे बीच सहमति बनी है, घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री किशिदा की यह यात्रा भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में नए आयाम जोड़ने में सफल रही है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री किशिदा और उनके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर।